Hello friends, today in this video I have a question paper of CUCET 2019 of MA English. CUCET means Central University Common Entrance Test, and this paper is of MA English. So friends, this is how your question paper will look like. So you can see the question paper, and आप देख सकते हैं कैसा दिख रहा है क्वेश्चन पेपर। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पेपर सील्ड रहेगा, और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन हैं जो कि दो पार्ट में डिवाइड है। देयर आर टू पार्ट इन दिस क्वेश्चन पेपर। पार्ट वन विल कंटेन 25 क्वेश्चन, एंड पार्ट बी विल कंटेन 75 क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स एंड ऑल क्वेश्चन आर मैंडेटरी। देर इज 0.25 मार्क्स इज डिडक्टेड फॉर द रॉन्ग आंसर। सो होप यू विल आंसर प्रॉपरली। तो हम देखेंगे पूरा, पूरे क्वेश्चन को देखेंगे किस तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखने के पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उनसे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लें, और बाद में लोग भूल जाएंगे लाइक करना और सब्सक्राइब करना, इसलिए अभी ही सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन जो है वो कह रहा है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स आर बोथ इम्पॉर्टेंट इन देयर ऑन वेज। क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो बेस्ट कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। सी विल फील मच बेटर इफ सी गेट सम रेस्ट। बी होगा करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर थ्री, इन मैनी पार्ट्स ऑफ जापान मोस्ट हाउसेज आर बिल्ट विथ, नो आर्टिकल विल बी यूज, बिल्ट विथ वुड। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर फोर, इन आवर कंट्री एग्रीकल्चर मस्ट कीप, डी होगा इसका करेक्ट आंसर, कीप पेस विथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव इज, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल सिनोनिम्स फॉर द वर्ड एबडक्ट। तो इसका किडनैप होगा। देन सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल सिनोनिम्स फॉर द वर्ड एब्सकॉन्ड। तो हियर द राइट आंसर इज रन अवे, ऑप्शन नंबर वन ए। सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल एंटोनिम्स फॉर द वर्ड पैसिव। तो क्वेश्चन नंबर सेवन आंसर इज असर्टिव, असर्टिव इज द राइट आंसर। देन सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल एंटोनिम्स फॉर द वर्ड बैटरी। हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इंडिविजुअल। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर नाइन, सेलेक्ट द पेयर विच शोज द सेम रिलेशनशिप एज कंप्यूटर इज टू रैम। सो हियर द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, बुक इज टू पेज। क्वेश्चन नंबर टेन इज, चूज द अप्रोप्रिएट सेट ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स द सेंटेंस मोस्ट मीनिंगफुल। सो हियर द राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर टेन, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Then question number 11, the speed of three motor bikes are in the ratio of 6:5:4. The ratio between the time taken by them to travel the same distance is, here the right answer is question option number A, 10:12:15. Now moving on to question number 12. So question number 12 is,
इंट्रोड्यूसिंग आशा टू गेस्ट, भास्कर सेड, हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माई फादर, हाउ इज आशा रिलेटेड टू भास्कर? सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, डॉटर. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13. सो क्वेश्चन नंबर 13 इज इन द सीरीज 5, 10, 20, 40, व्हाट विल बी द 10th टर्म? सो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस क्वेश्चन यू विल गेट द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2560. नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज इफ द डिजिट 12 ऑफ ए क्लॉक इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स ईस्ट, देन इन विच डायरेक्शन विल डिजिट 9 पॉइंट? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ. देन क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो इज नॉट ए स्क्वायर नंबर? सो हियर द राइट आंसर इज 15, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 22, 25. नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इन अ सिमल्टेनियस थ्रो ऑफ टू डाइस व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 10 और 11? सो हियर द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 5/36. देन 17, सेलेक्ट द ऑड वन ऑट. सो हियर रैम, फ्लैश मेमोरी, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी. So here RAM is the odd one. So RAM is the right option. Now moving on to question number 18. Which is the largest organ? Which is the largest organ in human being? So here the right answer is a skin. A skin is the right answer. Now question number 19 is madness is to brain, then paralysis is related to what? So here the right answer will be nerves, option number D. Then question number 20, a thing of beauty is why forever is a poem by, ये आपने quotation सुना होगा, a thing of beauty is why forever, और अगर poem भी पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि ये जॉन कीट्स का पोएम था और पोएम का नाम था इंडिमियन, जो कि 1818 में आया था. नाउ क्वेश्चन नंबर 21 इज रीना इज ट्वाइस एज ओल्ड एज मीता वाज 2 ईयर अगो. रीना इज ट्वाइस एज ओल्ड एज मीता वाज 2 ईयर अगो. इफ डिफरेंस बिटवीन देयर एज बी 2 ईयर्स, How old is Rina today? So the right answer will be option number A, that is 6 year. 6 year is the right answer. Now question number 22. In an examination, 42% student failed in the Hindi and 52% failed in English. If 17% failed in both the subject, percentage of those who passed in both the subject is? So after calculating I got 23, but in the answer key of COCET I got the right answer, that is 40%. So this question is a bit confusing due to the answer key. Now you can solve on your own this question number 22. Now question number 23 is, question number 23 is 10 women can complete a work in 7 days and 10 children take 14 days to complete the work. How many days will 5 women and 10 children take to complete the work? So question number 23 ka right answer hoga option number C, that is 7. Now question number 24 is, which apparatus is used to measure the purity of milk? This question is so easy. So the right answer is lactometer.
ऑप्शन नंबर डी। नॉट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, डेट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट ए। सो व्हेन इज हिंदी दिवस ऑब्जर्व? तो हिंदी दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन 14 सितंबर। राइट ऑप्शन इज ए 14 सितंबर। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और ये हेल्पफुल है आपके एंट्रेंस के लिए, तो आप लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मैं लाऊं, 2018 का क्वेश्चन पेपर लाऊं, 17 का लाऊं और अब तक पहुँचे, तो आप ज़रूर लाइक कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें, और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आए। सो आपने देखा कि ये जो टोटल क्वेश्चन पेपर है वो दो पार्ट में है, 25 क्वेश्चन इन पार्ट ए एंड 25 क्वेश्चन इन 75 क्वेश्चन इन पार्ट बी। सो पार्ट ए इज मेनली जनरल नॉलेज एंड यू कैन से जीएस एंड मैथ, ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर पुट इन क्वेश्चन पार्ट ए। नाउ मूविंग ऑन टू पार्ट बी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लें, ताकि आगे की वीडियो जब भी लाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो क्वेश्चन नंबर 26 इज, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इन्वॉल्व्स ड्रामेटिक पोर्ट्रायल ऑफ पर्सोनिफाइड क्वालिटी एंड वैल्यूज? सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मोरैलिटी प्ले। मोरैलिटी प्ले इज द राइट आंसर। Expressions like battle sweat for blood and whale roar for sea are example of which literary technique popular in old English literature? So here the right answer is option number B, that is caning. Now question number 28. Which of the following middle English text is not a dream allegory? So here the right answer is ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सर गेविन्स एंड द ग्रीन नाइट। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फ्लोइंग पोएम्स वॉज रिटन बाई क्रिस्टोफर मार्लो? सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हीरो एंड लेंडर। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 30। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 30, Who was the first English poet to introduce the division of quatrains in a sonnet? So here the right answer is Henry Howard. Henry Howard. Now question number 31. So question number 31 is, which author is the prose style euphuism associated to? So guys, the right answer is option number A, that is John Lilly. Now question number 32 is, which of the following plays does not feature the appearance of a ghost? So the right answer is King Lear of William Shakespeare. Now 33, in which of his plays does Shakespeare use mistaken identity involving twins as the central plot device? So guys, the right answer is The Comedy of Error, option number B. Now question number 34 is, which of the following is an allegory poem celebrating the Tudor dynasty? So here the right answer will be option number 1 A, that is Prothalmian. Prothalmian. Now the question number 35 is, which of the Shakespeare's character is described as a goodly apple rotten at the heart? So here Shylock will be the right answer of Merchant of Venice. Yeah, Shylock, option number D. Which figure of speech does Shakespeare use in the expression to take arms against sea of trouble? So here the right answer is mixed metaphor.
मिक्स्ड मेटाफर इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 37 इज विच क्लासिकल प्ले राइट वॉज ए मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द पॉपुलर रिवेंज ट्रेजेडी ऑफ दैट लेट 16th एंड अर्ली 17th सेंचुरी. सो हियर द राइट आंसर इज सी, दैट इज सेनेका. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 38. गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब न्यू वीडियो न्यू क्वेश्चन एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाऊं तो आपके नोटिफिकेशन आपको मिल सके. बीएचयू का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड कर रखा है तो उसका लिंक भी मैं इस वीडियो में डाल दूंगा. क्वेश्चन नंबर 38. क्वेश्चन नंबर 38 इज द प्लेज ऑफ विच क्लासिकल ड्रामेटिस्ट आर द सोर्स ऑफ द कंसेप्ट ऑफ एडिपल कॉम्प्लेक्स. सो द राइट आंसर इज सफोक्लीज, ऑप्शन नंबर ए. नाउ 39 इज अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल व्हाट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी. सो हियर द राइट आंसर इज प्लॉट, ऑप्शन नंबर डी. नाउ क्वेश्चन नंबर 40. क्वेश्चन नंबर 40 इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ रिवेंज ट्रेजेडी. सो द राइट आंसर इज द डचेज ऑफ मल्फी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी. नाउ 41 इज विच लिटररी टेक्स्ट इज द सोर्स ऑफ द टर्म मेलाप्रोफिज्म. मेलाप्रोफिज्म, सो द राइट आंसर इज द राइवल्स, ऑप्शन नंबर ए. द राइवल्स, द राइवल्स इज द राइट ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 42. क्वेश्चन नंबर 42 इज विथ हुम डिड शेक्सपियर कोलैबोरेटेड टू राइट द टू नोवेल किंग्स मैन. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जॉन फ्लेचर. नाउ 43 इज, क्वेश्चन नंबर 43 इज इन मार्लोज प्ले विच यूनिवर्सिटी डज द इफोनियस डॉक्टर फॉस्टर्स स्टडी एट. सो राइट आंसर इज डी, दैट इज विटनबर्ग. D, that is Witten world. Now question number 44. Which of the following poet is best known for his dramatic monologue? 44. So iska Robert Browning hoga right answer. In which play does the character Moscow appear? सो गाइज हियर द राइट आंसर इज 45. क्वेश्चन नंबर 45 का वॉल फोन, ऑप्शन नंबर बी. इन विच प्ले डज द कैरेक्टर ऑफ लेडी विस्फोट अपियर. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वे ऑफ द वर्ल्ड. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 47. क्वेश्चन नंबर 47. Which Shakespeare play did John Dryden adapt for his All for Love? Question number 47. The right answer is Romeo and Juliet. Now question number 48. Which of the following is not a feature of Restoration comedy? So the right answer is middle class morality. C. Now question number 49. In which poem does John Donne compared lovers to stick twin compasses. The right answer is option number B, the valediction for wedding morning. Now question number 50. Which figure of a speech does Milton employ in phrase darkness visible to describe hell? So the right answer is option number A. तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आगे के क्वेश्चन भी जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लें ताकि जब मैं आगे क्वेश्चन लाऊं, क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक मैं आगे डिस्कस करूंगा, 100 तक मैं आगे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं 50 क्वेश्चन नंबर 50 तक रहने देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 50 के आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँगा. तो नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें तो मोटिवेशन का काम करता है. अगर आपको आगे का क्वेश्चन और क्वेश्चन 2018 का भी एमए इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो कमेंट करके बताएं.
कमेंट करें ताकि मैं जानूं कि आपको ये वीडियो चाह रहा है, ये क्वेश्चन पेपर भी आपकी ज़रूरत है, तो मैं उससे वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। आशा करता हूँ आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे आगे के वीडियो पाते रहने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आप आगे वीडियो पा सकें, और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, क्वेश्चन पेपर चाहिए कि नहीं चाहिए, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए क्वेश्चन पेपर का तो पीडीएफ भी मैं दे दूंगा, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको सेंड कर दूंगा। और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम का ज्वाइन कर ले सकते हैं आप टेलीग्राम, और वहाँ पर मैं क्वेश्चन को अपलोड कर दूंगा अगर आप बोलेंगे तो। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर दिस सेशन। इन द नेक्स्ट सेशन आई विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 50 to 100, एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ 2018 ऑल्सो, एंड देर इज ऑफ 27 ऑल्सो, दैट इज 2017 ऑल्सो। दैट्स ऑल, थैंक यू।